गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे विल कंटिन्यू आवर चैप्टर फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वीडिंग और वीड कंट्रोल। द अनवांटेड प्लांट विच ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। जो फसल के साथ आजू बाजू में जो प्लांट ग्रो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वीड्स। ये कैसे है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अनवांटेड प्लांट विच ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स, फसल के साथ साथ वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वीड्स। कैन यू टेल वाई इज इट नेसेसरी टू रिमूव द वीड्स फ्रॉम द क्रॉप। दिस वीड्स कॉम्पीट विद द क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट, वाटर, स्पेस एंड सनलाइट, विच कैन हाइंडर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप प्लांट, ड्यू टू विच द क्वालिटी एंड प्रोडक्शन गेट्स अफेक्टेड। सम वीड्स हाइंडर द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप एंड सम आर पॉइजनस टू एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। ये जो हम लोग घास बोलते हैं, ये घास को हमें निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, कम्पीट करता है क्रॉप के साथ। मतलब जो भी आप पानी या खाद दे रहे हो, ये घास, ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है क्रॉप और वीड्स के बीच में। और क्या करता है, और स्पेस जो रहती है दो फसल के बीच का, दो पौधों के बीच का, उसको भी ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी, उसके बाद न्यूट्रिएंट, वाटर, वो आपके फसल को नहीं मिलते हैं, तो उसकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है, और उसकी वजह से आपकी फसल कम आती है या उसके प्रोडक्शन पे उसका असर आता है। कई कई बार ये जो घास होते हैं ये बहुत पॉइजनस होते हैं, यदि जानवर या ह्यूमन बींग्स खा लेते हैं तो उनको तकलीफ हो सकती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड फ्रॉम द क्रॉप इज कॉल्ड वीडिंग और वीड कंट्रोल। घास को फसल के यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है, तो उसको क्या बोला जाता है, वीडिंग या वीड कंट्रोल। द वीड्स विच ग्रो विद समर सीजन क्रॉप खरीफ एंड द विंटर सीजन क्रॉप रबी आर डिफरेंट एंड सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। अब खरीफ क्रॉप के साथ जो वीड्स ग्रो होते हैं या रबी क्रॉप के साथ जो वीड्स ग्रो होते हैं, यानी घास ग्रो होता है, वो अलग अलग टाइप का होता है। समर सीजन क्रॉप वीड्स, समर सीजन में जो हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं उसको जो लिया जाता है, उसके साथ जो घास आपका उगता है वो होता है रॉट, दुबी, सौवा, कौसी, नट ग्रास, मोथा जिसको बोलते हैं अमारंथस, चवलाई, ट्रायंथिमा, सत्थी एंड सरकंडा। ये सारे घास के नाम हैं जो कि रबी क्रॉप के साथ क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। विंटर सीजन क्रॉप वीड चेनापोडियम जिसको बथुआ बोलते हैं हम लोग, वाइल्ड ओट, जंगली जाई, देन कॉनवोलवुलस, हिरनखुरी, देन भुनगरी, रेड रॉट, लाल दूधी। तो ये सारे क्या है, नेम्स ऑफ द क्रॉप विच ग्रो बिटवीन द प्लांट्स ऑफ रबी क्रॉप। यूजुअली वीडिंग और रिमूवल ऑफ वीड्स आर डन बाय हैंड और बाय सिंपल टूल एज स्पेड, ट्रोवेल्स, होज एंड हरो कल्टीवेटर। जनरली घास निकालने के लिए एक तो आप हाथ से उसको निकाला जाता है, या फिर स्पेड या ट्रोवेल्स, हरो कल्टीवेटर, ऐसे टूल्स को यूज करके निकालते हैं। वीड्स आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड विथ सम केमिकल विच आर कॉल्ड वीडिसाइड्स। यदि आप कुछ ऐसे केमिकल्स यूज करो जिससे घास क्या हो जाए, वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाए, सूख जाए। इन नेचर देयर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय द वीड्स। फॉर एग्जाम्पल, एन इंसेक्ट इज यूज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ कैक्टस एंड सम फिशेज, एज ग्रास कार्प इज यूज टू कंट्रोल वाटर वीड्स। पानी में यदि आप कोई इंसेक्ट को डालते हो तो वो क्या करते हैं, उस घास का कंट्रोल, वीड ग्रोथ जो है उसको कंट्रोल कर देते हैं। जैसे कि इंसेक्ट क्या करते हैं, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ कैक्टस, या फिर फिशेस जो है कंट्रोल वाटर वीड, पानी में आने वाले घास को फिशेस यदि आप उसमें डालोगे तो वो क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। वीड कंट्रोल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल। इस तरह से घास को ज़्यादा आने ही नहीं देना, ये एक प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल। ये कौन कर रहा है कंट्रोल इसको, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक फिश, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। देन आपका फसल तो आ गई है, तो फसल को आप कोई नुकसान ना पहुँचे
इसलिए क्या करते हैं, हाउ यू विल प्रोटेक्ट द क्रॉप. क्रॉप्स आर अफेक्टेड बाय मेनी एक्सटर्नल फैक्टर. कैन यू टेल वट कैन अफेक्ट और हार्म क्रॉप. द ऑर्गेनिज्म विच हार्म द क्रॉप एज एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टेरिया, वायरस, अल्गी आर जॉइंटली कॉल्ड पेस्ट. जैसे कि कोई बर्ड्स है, इंसेक्ट है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टेरिया, वायरस, अल्गी, इन सबको हम क्या बोलते हैं, जॉइंटली पेस्ट बोलते हैं, जो कि हमारी फसल को खराब करते हैं. विच हार्म द क्रॉप, उनको बोला जाता है पेस्ट, जॉइंटली कॉल्ड पेस्ट. फील्ड्स कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ग्रेजिंग बाई स्ट्रे एंड वाइल्ड एनिमल्स बाई मेकिंग बाउंड्रीज ऑन फील्ड एंड फेंसिंग देम विथ थॉर्नी वायर्स. आपकी जो फील्ड है यानी खेत है, उसको एक बाउंड्री बनाई जाती है ताकि वो जो चरने वाले जो एनिमल्स आते हैं, गाय है या और बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जो कि फसल खाने को आते हैं, तो आपके इसका फेंसिंग जो है वो क्या करो आप, थॉर्नी वायर से लगा देते हैं, तो जिसकी वजह से काटे रहने से वो एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल्स घास खाने, फसल खाने के लिए अंदर नहीं आ सकते. स्केयर्स क्रोस कैन बी प्लेस इन द फील्ड टू ड्राई अवे द बर्ड. इवन साउंड ऑफ द बीटिंग ड्रम कैन कीप देम अवे. इस तरह से आप कुछ स्केयर्स क्रो को क्या कर सकते हो, अपनी फसल के बर्ड यानी पंछियों से बचाने के लिए स्केयर्स क्रो बना के ऐसे रखते हैं. आपने देखा भी होगा बहुत सारे इसमें, या फिर कभी कभी क्या करते हैं, जो जो से ड्रम को बीट करते हैं उस आवाज़ से पंछी चले जाते हैं. प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट एज बैक्टीरिया, फंगस, इंसेक्ट, रैट्स एंड स्क्विरल्स कैन बी डन बाय स्प्रेइंग पेस्टिसाइड, फंगिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड. कोई इंसेक्ट्स की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमारा फसल ख़राब ना हो, इसके लिए उसके ऊपर ये स्प्रेइंग होता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, जिसकी वजह से हमारी फसल सेफ रहती है. प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ सम पैरासाइट प्रेडिक्टर्स, बैक्टेरिया एंड फंगस. दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड ऑफ पेस्ट. ग्राउंड नट एंड फीड्स ऑन द डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट एंड देयर लार्वी. प्रीडेटर्स इंसेक्ट कॉसिलेना डिस्ट्रॉय मालू. प्रीडेटर बर्ड एज क्रेन्स, डक्स एंड स्वैंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल. आप बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मतलब बायोलॉजी कोई ऑर्गेनिजम्स को या इंसेक्ट को आप अलाउ करोगे उसमें अपनी खेत में, तो क्या हो जाएगा, वो सारे मतलब आपके इससे बचा सकेंगे, अपनी फसल को ख़राब होने से बचा सकेंगे. बायोलॉजिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये सम पैरासाइट्स लाइक बैक्टीरिया, फंगस, इनके द्वारा अपनी फसल को क्या करते हैं, बायोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं, बायोलॉजिकल पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, और उसी को बोला जाता है बायोलॉजिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल. ट्राइकोजर्मा इज अ पैरासाइट विच ग्रोज ऑन शुगर केन, ग्राम्स, ग्राउंडनट एंड फीड ऑन द डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट एंड देयर लार्वी. ट्राइकोजर्मा नाम का एक पैरासाइट है. पैरासाइट मीन्स डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड. तो ये क्या करता है, शुगर केन यानी गन्ना, ग्राम्स जो भी आपका रहता है, ग्राम दालों का फसल है, ग्राउंडनट है, मूंगफली है, तो इनके ऊपर जो इंसेक्ट आते हैं जिसकी वजह से वो फसल ख़राब हो सकती है, उस इंसेक्ट को ये खाते हैं, वही उनका फूड होता है. किसका, ट्राइकोजर्मा का. इस तरह से आपका क्या होता है, फसल ख़राब होने से बच जाता है. प्रेडेटर्स इंसेक्ट कॉसिलेना डिस्ट्रॉय महू. महू को ख़राब करने वाला ये आपका क्या है, इंसेक्ट जो है. तो प्रेडेटर बर्ड एज क्रेन, डक एंड स्वैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल. तो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल में बर्ड्स लाइक क्रेन्स है, डक्स है, स्वैन्स है, तो ये भी क्या करते हैं, बहुत मतलब उन कीड़ों को खाते हैं जो हमारी फसल को ख़राब करते हैं. दे फीड ऑन द इंसेक्ट ऑन द क्रॉप एंड डिस्ट्रॉय देम. उन कीड़ों को ही वो ख़त्म कर देते हैं ताकि फसल हमारी अच्छी रहे. बिफोर सोइंग द लैंड मस्ट बी टिल्ड प्रॉपरली सच दैट द बरीड एग्स एंड लार्वी ऑफ द हार्मफुल इंसेक्ट मे बी एक्सपोज टू सन एंड बी डिस्ट्रॉयड. आप
बीज बोने के पहले अपनी लैंड को अच्छे से क्या करो, हल चला के टिल्ट कर लो, मतलब ऊपर नीचे कर लो, ताकि नीचे में दबे हुए किसी इंसेक्ट के अंडे होंगे, लार्वा होगा, तो वो एक्सपोज हो जाएगा सन की और सूरज की रोशनी की वजह से, वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मिक्स क्रॉपिंग इज़ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ पेस्ट कंट्रोल फ्रॉम इंसेक्ट, इवन सिलेक्शन ऑफ एडिक्वेट क्रॉप रोटेशन साइकिल ऑल्सो हेल्प इन पेस्ट कंट्रोल। यदि आप अपना क्रॉप रोटेशन रखते हो, मतलब इस बार एक फसल तो दूसरी बार दूसरी फसल, जिसकी वजह से भी आपको पेस्ट कंट्रोल में क्या होती है, बहुत मदद मिल सकती है। क्रॉप हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, अब आपकी फसल आ चुकी है तो आप इसको कैसे हार्वेस्ट करोगे। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ क्रॉप, रीपिंग द क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप को रीप करना यानी इसी को क्या बोला जाता है, क्रॉप हार्वेस्टिंग। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ द क्रॉप, रीपिंग इज डन बाय हैंड्स और बाय यूजिंग टूल्स। ये जो फसल निकालने वाला काम है वो किससे होता है, एक तो सिकल से, स्काइथ से और रिपिंग हुक। यहाँ पे देखिए, ये आपको सिकल दिख रहा है, देन ये स्काइथ, दरांती बोलते हैं इसको, और ये आपका हार्वेस्टर है। तो ये तीनों टूल्स है क्रॉप को क्या कहते हैं, फसल को निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। राइस एंड व्हीट इज रिप बाय मशीन्स कॉल्ड हार्वेस्टर। राइस और व्हीट जो है, मतलब धान और गेहूँ, इसकी फसल को निकालने के लिए ये हार्वेस्टर यूज़ किया जाता है, फॉर राइस एंड व्हीट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पिक्ड विथ हैंड्स। फ्रूट को यानी फलों को और सब्जियों को हाथ से तोड़ा जाता है। ट्रैक्टर और पावर ट्रिलर आर ऑल्सो यूज फॉर रिपिंग। इसके अलावा ट्रैक्टर और पावर ट्रिलर भी यूज़ होते हैं। आफ्टर रिपिंग द हार्वेस्ट ग्रेन हैव टू बी सेपरेटेड। जब भी आप धान फसल निकालोगे, धान निकालोगे या जो भी आपका ग्रेन रहेगा, उसको क्या करना रहता है, सेपरेट करना रहता है। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग, और इस तरह से उस धान को सेपरेट करने के प्रोसेस को बोला जाता है थ्रेशिंग। ट्रेडिशनली थ्रेशिंग वॉज डन बाय रोलर। सबसे पहले थ्रेशिंग क्या होता था, रोलर एंड सेपरेशन मेथड से होता था। ट्रैक्टर्स आर ऑल्सो यूज फॉर दिस पर्पज। सम फार्मर्स यूज थ्रेशर्स फॉर दिस पर्पज। यहाँ पे देखिए, थ्रेशर का डायग्राम दिखाया है सब। ये जो आपका है ना, रोलर एंड सेपरेशन मेथड, बैलों के द्वारा इसको करते थे, ये एक पुराना मेथड है। नाउ वट इज हार्वेस्टर इज यूज, देन थ्रेशर इज यूज, कंबाइन हार्वेस्टर एंड हियर इट इज थ्रेशर। थ्रेशर इज यूज फॉर थ्रेशिंग। It is very easy to remember the name of the tool, thresher, for threshing, right? Threshers for this purpose. Combine harvester is a type of agricultural machine by which both reaping and threshing is done. यहाँ पे reaping भी इससे ही होता है और threshing भी क्या होता है, इसी से होता है। इसी को बोला जाता है combine harvester। ये combine है, मतलब ये दो काम करता है, reaping और threshing। और थ्रेशर क्या करता है, सिर्फ थ्रेशिंग का काम करता है। आफ्टर थ्रेशिंग रिमूविंग द हस्क फ्रॉम द ग्रेन इज कॉल्ड विनोइंग। फिर थ्रेशिंग होने के बाद आप क्या करते हो, उसमें से हस्क यानी भूसा जो रहता है उसको सेपरेट करते हो, तो उसको बोला जाता है विनोइंग। आफ्टर रिपिंग एंड थ्रेशिंग ग्रेन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स इन लार्ज क्वान्टिटीज आर टू बी स्टोर्ड सेपरेटली सेफली। आपका जो धान या पूरा फसल कट के आ चुका है, उसको आपको स्टोर अच्छे से करना है, तो इसी को क्या बोला जाता है, स्टोरेज। व्हाट इज स्टोरेज, आफ्टर रिपिंग एंड थ्रेशिंग ग्रेन्स अदर प्रोडक्ट्स इन लार्ज क्वांटिटीज, इसको हम क्या बोलते हैं, टू बी स्टोर्ड सेफली एंड दिस इज कॉल्ड स्टोरेज। फ्रॉम हार्वेस्टिंग टू द यूज ऑफ ग्रेन अबाउट 10% इज लॉस्ट ड्यू टू मेनी फैक्टर्स एज ट्रांसपोर्ट, गोडाउन, वेयर हाउस प्रोसेस, एक्यूमुलेशन, स्टोरेज प्रोसेस ड्यू। ये क्या होता है, जब आप उसको स्टोर करते हो, तो फ्रॉम हार्वेस्टिंग टू यूज ऑफ द ग्रेन, आपके घर तक वो ग्रेन आते तक बहुत सारा उसमें से 10% जो है वो लॉस्ट हो जाता है। कैसे, ट्रांसपोर्ट में कुछ खराब हो जाता है, आप गोडाउन में उसको स्टोर करते हो, उसमें भी कुछ फसल खराब हो जाती है। वेयर हाउस प्रोसेस, वेयर हाउस बड़ा सा गोडाउन में, एक्यूमुलेशन एंड स्टोरेज प्रोसेस, तो एक्यूमुलेशन मतलब उसको जमा करते हो, फिर उसको प्रॉपर स्टोर करते हो, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हो, ये सब इसमें 10% आपका
क्या होता है, अनाज खराब हो जाता है या वेस्ट होता है। ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज अबाउट 30% इज लॉस्ट टू इंसेक्ट, रोडेंट, रैट्स, मॉइस्चर एंड डिजीज। कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि उसमें क्या हो जाता है, सारे कीड़े घुस जाते हैं या मॉइस्चर आता है नमी की वजह से भी अपना अनाज क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वो लॉस कभी कभी 30% तक जाता है। फार्मर्स एंड ट्रेडर्स स्टोर ग्रेन इन बिग गोडाउन बीन्स एंड साइलोज। ये जो आपका ग्रेन स्टोरेज का काम होता है, ये फसल इसमें स्टोर करते हैं, तो किसान और बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी, इसको स्टोर करते हैं गोडाउन्स में। ये देखिए आपको गोदाम दिख रहा है, हेयर इट इज़ गोडाम गोडाउन, ये दैट इज कॉल्ड गोदाम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज। ये बीन्स है इस तरह से बड़े बड़े लंबे लंबे डब्बे लिए हैं, और साइलोज इस तरह से ये बना हुआ है। इसमें क्या करते हैं, वो ग्रेन को स्टोर करते हैं। इन नेशनल लेवल स्टोरेज ऑफ ग्रेन एट सेंटर एंड स्टेट इज डन बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और नेशनल लेवल पे, यानी अपने नेशनल लेवल पे ये जो स्टोरेज होता है ग्रेन का, वो कहाँ होता है, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, और उसको बोला जाता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI इन वेयर हाउसेस। तो ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम है, इनके बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं, गोदाम होते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, अनाज को अच्छे से स्टोर करके रखते हैं। टू नो अबाउट द टाइप ऑफ द स्टोरेज दिस एक्टिविटी इज गिवन टू यू, यू रीड दिस एक्टिविटी। देन नेक्स्ट इज कोल्ड स्टोरेज। इसके अलावा जो आपने फसल लिया है, फ्रूट, वेजिटेबल का, पोटैटो है, ओनियन, गार्लिक, जिंजर एंड अदर पेरिशेबल क्रॉप प्रोडक्ट्स आर केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज मतलब जहाँ पे आपको टेम्परेचर कम रखना है। गर्मी की वजह से ख़राब होने वाली जितनी भी फसल है, जैसे आपके फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, जिंजर, इनको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, जिसको बोला जाता है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड से ही पता चलता है टेम्परेचर इज लो टेम्परेचर। इन कोल्ड स्टोरेज द लो टेम्परेचर स्टॉप और रिटार्ड फर्दर रैपनिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द स्टॉप द प्रोडक्ट ऑफ स्पॉइलेज। वो क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखने से हमारा फसल खराब होने से, स्पॉइल होने से बच जाता है। इस तरह से आज हमने क्रॉप के वेरियस स्टेजेस, रिपिंग, देन हार्वेस्टिंग, देन स्टोरिंग, इसको पढ़ा। यू रीड द चैप्टर। थैंक यू।